बात रिसर्च और स्टडी की, क्या सच में हर वो खबर जिसके आगे लिखा हो फलाना स्टडी से ये पता लगा है, फलाना रिसर्च से ये पता लगा है, हमको मान लेनी चाहिए? स्टडी या रिसर्च का मानक क्या है? स्टडी में समय, एनर्जी और पैसा लगता है तो इन्हें स्पॉन्सर कौन करता है? ये स्टडी किन लोगों पर की जाती है? इन स्टडी से दुनिया पर क्या फर्क पड़ता है? इन स्टडी को कौन करवाता है? कभी सोचा है ये सब? दुनिया में हर साल 8 मिलियन लोग स्मोकिंग की वजह से मर जाते हैं और सभी को पता है कि स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे कैंसर होता है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने का आलम यह है कि सिगरेट के पैकेट पर ही यह चेतावनी दी गई होती है। लेकिन बीते साल आई कोरोना ने कई सवाल खड़े कर दिए। रेस्पिरेटरी से होने वाली समस्याओं के चलते लोग भी स्मोकिंग को लेकर ज्यादा घबराने लगे। इसको देखते हुए कुछ स्टडी करवाई गई और यह बताया गया कि स्मोकिंग करने वालों को कोरोना से कम खतरा है। स्मोकिंग करने वालों में कोरोना के सिम्टम जो है वो कम नजर आते हैं और इन लोगों में हॉस्पिटलाइज होने की खबरें भी कम हैं। तो क्या ऐसे में इनडायरेक्टली ये ना समझा जाए कि स्मोकिंग एक क्योर है कोरोना वायरस का? स्मोकिंग एक दवाई की तरह है जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? लेकिन वेट, ये स्टडी कितनी सही है ये कौन बताएगा? क्या मीडिया का काम सिर्फ ये है कि किसी भी स्टडी को कोट करके लोगों के बीच जानकारी फैला दी जाए? अंग्रेजी नाम की स्टडी और वैज्ञानिकों के विदेशी नाम सुनकर आज भी लोग इस पर जल्द ही आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन लोगों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि स्टडी और रिसर्च में बहुत समय, मेहनत, एनर्जी और पैसा लगता है। तो ऐसे में इनको स्पॉन्सर कौन करता है ये भी देखना अहम होगा। स्टडी वायस रहती है हमेशा, ये भी एक सच है। ध्यान रखिए, स्मोकर्स में इन्फ्लुएंजा होने का खतरा 5 गुना ज्यादा होता है, निमोनिया होने का खतरा 2 गुना ज्यादा होता है। ये दोनों ही लंग्स की बीमारियां हैं जैसे कि कोविड है। तो ये खतरे को बढ़ाने के बजाय कम कैसे कर रहे हैं, ये सवाल है। चलिए, स्मोकिंग को कोरोना में फायदा बताने वाली इन स्टडी का आज पोस्टमार्टम करते हैं। तो समझिए, ऐसी स्टडी करने वाली एजेंसियों को टोबैको कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं और WHO ने भी सख्त हिदायत दी है कि ऐसी स्टडी के झांसे में बिल्कुल ना आए। टोबैको से खतरा होता है और ये सभी को पता होना चाहिए। हाल ही में यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल ने एक आर्टिकल को अपने जर्नल से एक स्टडी को ये कहते हुए हटा दिया कि स्टडी में शामिल 5 में से 2 लोगों के टोबैको कंपनी से फाइनेंशियल टाइज हैं और उन्होंने इस जानकारी को पहले छिपाया था। टोबैको इंडस्ट्री $932 बिलियन की इंडस्ट्री है और 2018 में अकेले US में इस इंडस्ट्री ने मार्केटिंग के लिए $9 बिलियन खर्च किए थे, मतलब $1 मिलियन प्रति घंटा। अब पूरा खेल समझिए, टोबैको इंडस्ट्री अपने हिसाब से मार्केट में वक्त पड़ने पर नैरेटिव सेट करवाती है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के जरिए हो या स्टडी के जरिए। डेली मेल की इस हेडलाइन में बताया गया है कि 28 स्टडी बताती हैं कि स्मोकिंग करने वालों को कोरोना से कम खतरा है और इन 28 स्टडीज में से 22 स्टडी चाइना में करवाई गई और बाकी 3 अमेरिका में। चाइना को समझिए, दुनिया का सबसे बड़ा टोबैको प्रोड्यूसर है, दुनिया का सबसे बड़ा टोबैको कंज्यूमर है। 2018 में चाइना में इस इंडस्ट्री ने $929 बिलियन कमाए थे। अब बात अमेरिका की करते हैं क्योंकि 3 स्टडीज यहां की थी। यहां पर भी उनमें से 3 स्टडीज जो करवाई गई थी स्मोकिंग के पक्ष में थी। तो देखिए, फिलिप मॉरिस का गढ़ है अमेरिका। फिलिप मॉरिस दुनिया की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी में से एक है। फिलिप मॉरिस का इतिहास बहुत कुछ साफ करता है। 1970 में इस कंपनी ने जर्मनी के एक रिसर्च लैब को ही खरीद लिया था। 1972 में स्मोकिंग को बढ़ावा देने के लिए कैंपेन चलाया। फिलिप मॉरिस स्टडीज और रिसर्च को भी स्पॉन्सर करती है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इसी को साइंस मैनिपुलेशन कहते हैं। ये सिर्फ टोबैको इंडस्ट्री के साथ नहीं है, ऐसी ही स्टडी के जरिए पहले कोको कोला कंपनी ने भी ये बताने की कोशिश की थी कि सॉफ्ट ड्रिंक कम करने से कुछ नहीं होता, फिजिकल एक्टिविटीज करने से होता है ताकि इनकी सॉफ्ट ड्रिंक्स धड़ल्ले से बिक सके। अल्कोहल इंडस्ट्री ने भी एक स्टडी के जरिए ये बताने की कोशिश की थी कि रेड वाइन पीने से हार्ट प्रॉब्लम में आराम मिलता है, चेहरे में निखार आता है। इसके साथ ही इस तरह की स्टडी के लिए जो सैंपल लिए जाते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, एक पर्टिकुलर जगह या कुछ सैकड़ों या हजार लोगों के ऊपर किए जाते हैं। तो ऐसे में ऐसी स्टडी में जहाँ एक जगह के लोगों, एक तरह की उम्र के लोगों, एक जेंडर के लोगों पर की गई स्टडी ग्लोबली एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। जैसे अमेरिका में डिप्रेशन पर की गई स्टडी भूटान या नॉर्थ कोरिया के ऊपर लागू नहीं की जा सकती। कैसे लागू हो सकती? नहीं हो सकती।